ये नज़ारा है पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के सुंदर नगरी मेन सड़क का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हाथ के रिक्शा सड़क के किनारे खड़े हैं। इन हाथ रिक्शा किराए पर देने वाले लोगों का कहना था कि लॉकडाउन के चलते व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, लोगों से कर्ज लेकर ई हाथ रिक्शा का व्यापार शुरू किया था, लेकिन हाथ रिक्शा किराए पर लेने वाले लोग लॉकडाउन में अपने घरों को पलायन कर गए हैं, जिसकी वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। ई रिक्शे इतने सारे कैसे खड़े हैं ये हाथ वाले? सर इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि अब हमारे पे पब्लिक नहीं है और किसी का क्रेज भी नहीं है यहाँ पर रिक्शे चलाने का, क्योंकि इसमें भी आमदनी नहीं है, गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर चुके हैं और हम गवर्नमेंट से ये भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए कुछ करें। गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही है, गवर्नमेंट हमेशा हमें आश्वासन देती है कि हम पूछते हैं कि भाई केजरीवाल जी आप कुछ कर रहे हो, ऑटो वालों को 5,000 रुपए दे रहे हो, कम से कम रिक्शे वालों के लिए 200, 300, 500 कुछ तो सपोर्ट करो, पर वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा रिक्शा क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्या वजह है? सर एक्चुअली क्या है कि वो जितनी भी पब्लिक थी हमारी सारी जो रिक्शा चलाते बाहर से इधर उधर से जो लोग आए थे वो सब जा चुके हैं, तो हम कहाँ से करेंगे। दानिश कैसे घर चल रहा है? बस सर बस घर कैसे चल रहा है, कुछ गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे, कुछ अपना हाथ पैरों से चल रहा है और बाकी थोड़ा इधर उधर से लेन देन से अपना काम कर रहे हैं। बाकी और हमारे मतलब ऑल टोटल जो हमारे कामों की डैमेजिंग ही हो चुकी है, हमारे पास कोई रीजन नहीं बचा है कि हम लोग अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएं। काम की तो छोड़ो सर, अपने घर को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ मांग करना चाहेंगे सर? हाँ गवर्नमेंट से हमारी मांग है, गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे और गवर्नमेंट हमें दे और गवर्नमेंट से हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत सोचे, क्योंकि हम सब गरीबी लोग हैं, तो इतने बड़े रईस भी नहीं है हम, झुकी झोंपड़ी रहने वाले बंदे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत मिल जाए तो हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं भाई केजरीवाल जी आप कुछ दे दीजिए। अच्छा किस चीज का काम करते हैं आप? रिक्शों का। अब क्या रिक्शे जा नहीं पा रहे हैं आप? सारे खड़े रिक्शे वाले। कैसे घर चल रहा है? अब मजबूरी है, क्या कर रहे हैं, काम नहीं है, धंधा नहीं है, पड़े हुए ऐसे ही किसी से कर्जा पानी लेके कर रहे हैं। हमारा जो कॉलर था सब चले गया, जितना में हमारा कॉलर था सब चले गया। सरकार कुछ मदद कर रही है? कुछ नहीं, रिक्शा वाले भी तो मांगी नहीं है, पूछी नहीं है, पूछते ही नहीं रिक्शा वाले को, तो कौन रिक्शा वाला कहाँ से आया, कौन है, कौन ऑटो वाले को भी नहीं पूछ रहे, ना ऑटो चल रहे हैं ना रिक्शे, सब बेकार है, मजबूर है घर। सरकार से कुछ मदद की गुहार लगाएंगे? लगाया है, लगाई है, कुछ सुनते ही नहीं है, कार्रवाई नहीं करते। अच्छा सुंदर नगरी की बात करें तो आपका किस चीज का काम है ये? ये हम डेली लगाते थे, रिक्शा चला रहे, काम हो ही नहीं रहा ना डेली में ना इसमें रिक्शे में। अच्छा किस वजह से नहीं हो रहा है? ही नहीं, पब्लिक भी कुछ निकल नहीं रही है और ऐसे भी परेशानी बहुत हो रही है, पुलिस वाले भी तंग कर रहे हैं कुछ। तो पहले रिक्शा चला के गुजारा करते थे जी, अब क्या गुजारा नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। कैसे घर चल रहा है? अब देखो जैसा मर्जी, ऊपर वाला कर रहा है तो ऐसे चल रहा हुआ गुजारा कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत। हम दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ऑटो चालकों को हर महीने 5,000 रुपए का फंड दे रही है, वहीं हाथ रिक्शा चालकों को भी सरकार कुछ मदद करे ताकि हमारा भी घर चल सके। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9,
मंडोली एक्सटेंशन नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने दिल्ली 93 में। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205 9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।